दो जादुई अंडा घर और जालिम गोल्डन शेर का शेरनी के बच्चों पर कहर। जंगल में बहुत से जानवर रहते थे। उनके जंगल का राजा एक गोल्डन सैतानी शक्तियों वाला शेर था, जिसने अपने जंगल के जानवरों का जीना हराम किया हुआ था। वह अपने जंगल के जानवरों को कुछ ज्यादा ही परेशान किया करता था, और जब भी उसका मन करता तो वो किसी भी जानवर को मार कर खा जाता था। इसी बात से उसके जंगल के जानवर उससे बहुत ज्यादा परेशान रहते थे। एक दिन उस जंगल में दूसरे जंगल से चलती हुई एक शेरनी आ जाती है, और उसके साथ उसके दो बच्चे भी होते हैं। शेरनी के दोनों ही बच्चे बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थे। वे दोनों बिल्कुल ही सफेद रंग के थे। शेरनी के बच्चों को उसके जंगल के जानवरों ने काफी परेशान किया हुआ था, इसीलिए शेरनी उस जंगल को छोड़कर इस जंगल में आई थी। लेकिन उसे क्या मालूम था कि ये जंगल तो सच में ही उसके बच्चों को खा जाएगा। शेरनी इन सभी बातों से अनजान आगे चली जा रही थी। कुछ देर चलने के बाद शेरनी एक पेड़ के नीचे जाकर रुकती है और अपने बच्चों के साथ वहीं पर आराम करने लगती है। तभी वह जालिम शेर वहां से गुजरता है और उसकी नजर उन दोनों बच्चों पर पड़ती है। शेर उन दोनों बच्चों को देखकर एकदम से रुक जाता है और मन ही मन सोचने लगता है, अरे वाह, ये कितने खूबसूरत बच्चे हैं। ये तो बिल्कुल दूध के जैसे सफेद हैं। अरे यार, इनका मांस तो बहुत ही स्वादिष्ट और मुलायम होगा, और खाने में भी इतना ही मजेदार होगा। इनका तो शिकार करना ही पड़ेगा, लेकिन अभी नहीं, अभी तो मेरा पेट बिल्कुल भरा हुआ है, तो कुछ देर बाद देता हूँ। और इतना सोचकर शेर वहां से चला जाता है। शेरनी के इतने सुंदर बच्चों को देखकर कुछ जानवर वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं, और इतने प्यारे बच्चों को देखकर सभी जानवर शोक हो जाते हैं। तभी एक बकरी शेरनी से बोलती है, अरे शेरनी बहन, आप कहां से आई हो? तुम्हारे बच्चे तो कुछ ज्यादा ही खूबसूरत हैं। बहन, मैं दूसरे जंगल से आई हूँ। उस जंगल में मेरे बच्चों की जान को खतरा था, इसीलिए मैं उस जंगल से छुपकर इस जंगल में आ गई। बकरी फिर से बोलती है, बहन, लेकिन इस जंगल में तो तुम्हारे बच्चों को और भी ज्यादा खतरा है। कैसा खतरा बकरी बहन? बकरी शेरनी को बताने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर वो जालिम शेर आ जाता है, और सभी जानवर उससे डर डर कर इधर उधर भागने लगते हैं। शेरनी इतना कुछ समझ पाती, गोल्डन शेर उसके बच्चों पर हमला कर देता है और उन्हें हमला करके वहीं पर मार डालता है, और उस बेचारी शेरनी को अपनी शक्तियों से एक पिंजरे में कैद कर देता है, जिसे शेरनी कुछ ना कर सके। शेरनी बेचारी अपनी ही आंखों के सामने अपने बच्चों का खून होते देखती है, और वो बेचारी चिल्लाती रह जाती है। लेकिन शेर देखते ही देखते उन दोनों बच्चों को खा जाता है और शेरनी को पिंजरे से आजाद करके वहां से भाग जाता है। शेरनी अपने बच्चों को मरा हुआ देखकर बहुत जोर जोर से रोने लगती है। हाय, मेरे बच्चों को खा गया जालिम शेर। मैं तो अपने बच्चों को उस जंगल से बचाकर इस जंगल लाई थी, लेकिन यहाँ तो मेरे साथ उससे भी बुरा हो गया। शेरनी को ऐसी रोता बिलकता देख कुछ जानवर शेरनी के पास आते हैं, और वही बकरी शेरनी से बोलती है, शेरनी बहन, मैं तुम्हें यही सब बताने वाली थी, लेकिन मेरे बताने से पहले ही ये जालिम शेर आ गया, और हम तुम्हारे बच्चों के लिए कुछ भी ना कर पाए। हमें माफ कर दो शेरनी बहन। काश के तुम मुझे बता पाती, मैं तो तभी अपने नन्हे बच्चों को यहाँ से लेकर दूसरे जंगल चली जाती। शेरनी का तो रो रो कर बुरा हाल था। सभी जानवर भी अब तो शेरनी को छोड़कर वहाँ से चले गए थे।
लेकिन शेरनी बेचारी वहाँ से एक इंच भी नहीं मिली थी। रात हो जाती है लेकिन शेरनी का तो अब भी यही हाल था। अगली सुबह होती है और शेरनी मन ही मन सोचती है, उस जालिम शेर ने मेरे बच्चों को मारा है, मुझे उससे बदला तो लेना ही होगा। मैं ऐसे रोकर अपने आप को बेहाल नहीं कर सकी, मुझे उस जालिम शेर का खात्मा इस जंगल से करना ही होगा। लेकिन ये सब मैं कैसे कर सकती हूँ। चलो जंगल में निकल कर देखती हूँ, शायद जंगल के जानवर मेरी इस काम में मदद करें। ऐसा सोचकर शेरनी जंगल में निकलती है और शेरनी चलते चलते रास्ता भटक जाती है। अरे ये मैं कहाँ आ गई, यहाँ पर तो दूर दूर तक कोई जानवर ही नहीं दिखाई पड़ रहा। तभी अचानक शेरनी की नजर दो गोल्डन अंडा पुल घर पर जाती है। उनको देखकर शेरनी सोचती है, अरे ये क्या है, ये तो बड़े ही अजीबोगरीब घर हैं। चलो इनके अंदर जाकर देखती हूँ। तब शेरनी दौड़कर एक अंडा घर के अंदर जाती है। और वहां जाकर देखती है कि वहां पर तो ढेर सारा सोना है और बहुत सी शक्तियां भी हैं। शेरनी ये सब देख ही रही थी कि तभी वहां पर एक और शक्ति आती है और उसमें से आवाज आती है, क्या हुआ शेरनी बहन, क्या चाहिए तुम्हें, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ। ऐसा सुनकर शेरनी उस शक्ति से सारी बातें बताती है। अच्छा ये बात है, तुम घबराओ नहीं शेरनी बहन, मैं उस जालिम शेर को अभी कैद करता हूँ। फिर वह शक्ति उस जालिम शेर को जंगल से कैद कर लेती है और अपने पास ले आती है। शेर अपने आप को वहां पाकर काफी परेशान हो जाता है और बोलता है, कौन हो तुम और मुझे यहाँ क्यों ले आए हो। फिर वह शक्ति बोलती है, मैं एक जादुई शक्ति हूँ, तुमने शेरनी और उसके बच्चों के साथ बहुत बुरा किया है और तुमने जंगल के जानवरों को भी बहुत सताया हुआ है, इसीलिए अब तो तुम्हारा सर्वनाश होना तय है। आज से तुम यहीं पर कैद रहोगे और कभी इस कैद से आजाद नहीं हो पाओगे। इतना सुनकर शेरनी बड़ी खुश होती है और वहां से वापस जंगल में आ जाती है। जंगल में आकर शेरनी सभी जानवरों को सारी बात बताती है। सभी जानवर शेरनी को शुक्रिया कहते हैं और फिर सभी जानवर मिलजुल कर जंगल में खुशी खुशी रहने लगते हैं। और ये कहानी हमारी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों क्या सीखा आपने इस कहानी से, कि बुराई के पास चाहे कितनी भी ज्यादा शक्तियाँ क्यों ना हो लेकिन अच्छाई के आगे वो कभी भी नहीं टिक पाती है। अगर आपको हमारी आज की स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और ऐसी ही मजेदार वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। जल्दी मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।